Hello everyone, myself Sanjesh and welcome to all in the online CSIR classes. Today we will discuss the important topic of CSIR, that is development in Genopus levis. And Genopus is the best example of amphibians to show the developmental stages. And this lecture is the part 1, and in this lecture we will discuss the process of gastrulation. First of all, some basic points about the amphibian. Amphibians have played a major role in experimental embryology since the earliest days of the field. And in amphibian, the common is the Genopus levis, is one of the most studied amphibians because it has rare property of not having breeding season and thus generate embryo year around. And one of the peculiar feature of amphibian that amphibians are anamniotic vertebrates. Anamniotic means they do not form the amnion. And what is the amnion? Amnion is the extraembryonic membrane that present in the amniotic vertebrates such as reptiles, birds and mammals. And one of the important feature of amphibian development that fertilization induces protein movement in the egg cytoplasm, which governs the process of gastrulation. अब इसमें हम बात करेंगे कुछ characteristic feature amphibian egg की. तो first of all, amphibian egg is the mesolecithal on the basis of amount of yolk. Yolk के बेस पे क्या है? Mesolecithal मतलब कि half portion में yolk and half portion में cytoplasm. Distribution के बेस पे ये है टीलोलेसिथल. एंड एम्फीबियन एक फॉलो होलोब्लास्टिक क्लीवेज एंड इन द होलोब्लास्टिक क्लीवेज बोथ टाइप इक्वल एंड अनइक्वल. दो फर्स्ट क्लीवेज इज द इक्वल टाइप एंड सेकेंड एंड थर्ड इज द अनइक्वल टाइप. एम्फीबियन एक फॉलो द रेडियल पैटर्न. दीज फोर पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्फीबियन, दैट एम्फीबियन एक इज मीजोलेसिथल, टीलोलेसिथल, फॉलो द होलोब्लास्टिक क्लीवेज इक्वल एंड अनइक्वल टाइप एंड ऑल्सो फॉलो द रेडियल पैटर्न. ए पार्ट ऑफ दीज नोन फाइंडिंग्स, बिफोर फर्टिलाइजेशन द फ्रॉग एग हैज पोलैरिटी इन दैट डेंस यॉक इज एट द वेजिटल पोल एंड द एनिमल पोल हैज लेस यॉक. यहाँ पे देखें, हाफ पोर्शन में यॉक है, हाफ पोर्शन में क्या है? साइटोप्लाज्म है. अब जहाँ पे यॉक पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे हम? वेजिटल पोल. और जो जहाँ पे लिटिल यॉक है उसको बोलेंगे हम एनिमल पोल. अब इसके बाद जो मेजर फाइंडिंग है एम्फीबियन डेवलपमेंट की वो है स्पर्म एंट्री पॉइंट. पॉइंट ऑफ स्पर्म एंट्री, पॉइंट ऑफ स्पर्म एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डिटरमाइंस द डॉर्सल वेंट्रल पोलैरिटी. The site of sperm entry gives the ventral site, जहाँ से sperm entry करेगा वो egg का ventral site form करेगा. And while the opposite site of sperm entry will the dorsal site. तो जहाँ से sperm entry किया वो ventral site, उसके just opposite क्या होगा? Dorsal site. अब स्पर्म एंट्री जो है एक प्रोसेस है कॉर्टिकल रोटेशन, उसको गवर्न करता है. उससे क्या फॉर्म होता है? ग्रे क्रिसेंट. ग्रे क्रिसेंट एक ऐसा पार्ट है जहाँ से गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होगा. ये एक एम्फीबियन एग है जिसमें क्या है? पिगमेंटेड कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म होता है. ये जो साइट है ये स्पर्म एंट्री की साइट है. स्पर्म एंट्री कौन सी साइट प्रोवाइड कराता है? वेंट्रल साइट. तो ये एंट्री ऑफ स्पर्म क्या है? वेंट्रल साइट. इसके जस्ट अपोजिट क्या हो गया? डॉर्सल साइट. उसके बाद इसमें होगा कॉर्टिकल रोटेशन. तो कॉर्टिकल रोटेशन से क्या होगा? ये जो एग है उसका ओरिएंटेशन थोड़ा सा चेंज होगा अप टू 30 डिग्री तक का. तो ये ओरिएंटेशन कितना चेंज हुआ? 30 डिग्री का. इसके बाद ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये है ग्रे क्रिसेंट. ये कहाँ फॉर्म हो रहा है? डॉर्सल साइड पे. और ग्रे क्रिसेंट के साइड पे ही गैस्ट्रुलेशन होता है. तो गैस्ट्रुलेशन कहाँ पे होगा? डॉर्सल साइड पे. वेंट्रल साइड पे कभी भी गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस नहीं होगा. इसकी मैकेनिज्म हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे. ये ग्रे क्रिसेंट. और कॉर्टिकल रोटेशन कितना हुआ? अप टू 30 डिग्री.
अब बात करते हैं एम्फीबियन क्लीवेज की एंड ब्लास्टुला फॉर्मेशन की। जैसे कि एम्फीबियन एक्ट फॉलो द रेडियल पैटर्न एंड होलोब्लास्टिक क्लीवेज एंड द फर्स्ट क्लीवेज फरो बिगेन एट द एनिमल पोल एंड स्लोली एक्सटेंड टुवार्ड्स द वेजिटल रीजन। अब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट क्लीवेज को देखें, स्टार्ट फ्रॉम द एनिमल पोल एंड एक्सटेंड टुवार्ड्स द वेजिटल पोल एंड द सेकेंड क्लीवेज ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम द एनिमल पोल एंड एक्सटेंड टुवार्ड द वेजिटल पोल बिफोर द फर्स्ट क्लीवेज डिवाइड द वेजिटल पोल कंप्लीटली, वेजिटल साइटोप्लाज्म कंप्लीटली या योक कंप्लीटली। एंड द थर्ड क्लीवेज इज द अकर एट द एनिमल पोल एंड इट इज डिस्प्लेस टाइप। आफ्टर द क्लीवेज प्रोग्रेस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला और मोरुला स्टेजेस, इंटरमीडिएट स्टेज। एंड आफ्टर द क्लीवेज कंप्लीट्स द एनिमल पोल हैज लार्जर नंबर ऑफ सेल्स एंड स्मॉल स्मॉल साइज वाइल एंड नोन एज द माइक्रोमियर सेल, वाइल द वेजिटल हेमिस्पियर सेल्स कंटेन्स लार्जर सेल्स एंड स्मॉल नंबर ऑफ सेल्स दैट इज नोन एज माइक्रोमियर सेल्स, मैक्रोमियर सेल सॉरी। एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला देयर इज अ अपीयरेंस ऑफ ब्लास्टोसील कैविटी। मोरुला स्टेज इज अचीव्ड इन एम्फीबियन एट द 16 टू 64 सेल्स एंड ब्लास्टुला स्टेज इज अचीव्ड आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ ब्लास्टोसील एट द 120 सेल स्टेज, 128 सेल स्टेज। द एनिमल हेमिस्फीयर सेल्स गिव राइज टू एक्टोडर्म। एनिमल हेमिस्फीयर से क्या बनता है? एक्टोडर्म। अब वेजिटल हेमिस्फीयर से क्या बना? एंडोडर्म। एंड द सेल्स बीनीथ द ब्लास्टोसील कैविटी विल बिकम मीजोडर्म। अब जो ब्लास्टुला का ब्लास्टोसील है, ब्लास्टोसील सर्व्स टू मेजर फंक्शंस। क्या क्या इसके मेजर फंक्शंस हैं? फर्स्ट, इट कैन चेंज इट्स शेप। तो ब्लास्टुला क्या है? ब्लास्टुला कैन चेंज इट्स शेप ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन बाय मूवमेंट इन द ब्लास्टोमियर। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। एंड सेकेंड इज द इट प्रिवेंट्स द सेल्स बीनीथ इट फ्रॉम इंटरेक्टिंग प्री मेच्योरली विद द सेल्स एबव इट। जैसे अगर हम रिवर्स स्लाइड देखें तो ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स को जो ये इसकी सेल जो ऊपर की सेल्स हैं और जो नीचे की सेल्स, इनको प्री मेच्योर इंट्रैक्शन से कौन इनहिबिट करेगा? ये ब्लास्टोसील इनको इनहिबिट करेगा। अब हम बात करते हैं एम्फीबियन गैस्ट्रुलेशन की। ब्लास्टुला दिस साइड ऑफ स्पर्मेट्री प्रोवाइड्स द वेंट्रल साइड और उसके जस्ट अपोजिट क्या होगा? डोर्सल साइड, जहाँ पे ग्रे क्रिसेंट फॉर्म हुआ। और गैस्ट्रुलेशन कहाँ पे शुरू होगा? हमेशा डोर्सल साइड पे और ग्रे क्रिसेंट रीजन पे ही होगा। ये कॉर्टिकल रोट्रेशन से फॉर्म हुआ था। अब यहाँ पे जो भी मैक्रोमियर सेल्स हैं, जितनी भी ये मैक्रोमियर सेल्स हैं, सब एक्सप्रेस करती हैं बीटा कैटनिन। बीटा कैटनिन क्या है? एक प्रोटीन है, ग्रेडियंट है, जो जितनी भी यहाँ पे सेल्स हैं, चाहे वेंट्रल सेल हैं चाहे डॉर्सल सेल, सब एक्सप्रेस करती हैं बीटा कैटनिन। इन जीनोपस एम्ब्रियो बीटा कैटनिन इज इनिशियली सिंथेसाइज थ्रू आउट द एम्ब्रियो। और जो भी सेल्स यहाँ पे हैं, एक सिंगल सेल को अगर देखेंगे तो बीटा कैटनिन के साथ साथ वहाँ पे क्या हो रहा है एक्सप्रेस? TCF3 एक्सप्रेस हो रहा है उसके न्यूक्लियस में। और TCF3 जो है एक इट इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट इनहिबिट द जीन साइमोइस और ट्विन। तो TCF3 किसका इनहिबिटर है? साइमोइस और ट्विन जीन का। और बीटा कैटनिन इंटर्न किसका इनहिबिटर है? TCF3 का। और फर्दर आगे हम देखेंगे तो जब ये साइमोइस और ट्विन जीन का एक्सप्रेशन हो जाता है किसी भी सेल्स में, तो वो इनिशिएट होता है गैस्ट्रुलेशन को। इनिशियल कंडीशन में क्या है? बीटा कैटनिन सभी सेल्स के पास है और ये बीटा कैटनिन किसका इनहिबिटर है? TCF3 का इनहिबिटर है। तो अगर बीटा कैटनिन एक्टिवेट है और TCF3 को नॉन फंक्शनल कर देगा तो साइमोइस और ट्विन का एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पे? होना चाहिए इनिशियल। तो क्या है? गैस्ट्रुलेशन क्या है? हर जगह होना चाहिए, चाहे वेंट्रल साइड हो चाहे डॉर्सल साइड हो, लेकिन गैस्ट्रुलेशन हमेशा कहाँ पे होता है? डॉर्सल साइड पे होता है। तो इसके लिए कुछ और मेजर प्रोटीन या फैक्टर हैं जो गवर्न करते हैं कि गैस्ट्रुलेशन कहाँ पे होगा? सिर्फ और सिर्फ
ग्रे क्रीसेंट साइट पे ही होना चाहिए। क्लियर। अब हमारे माइंड में दो क्वेश्चन, देयर इज टू क्वेश्चन जनरेट इन द माइंड दैट हाउ बीटा कैटनिन शो इट्स फंक्शन ओनली एट डॉर्सल साइड व्हाइल इट एक्सप्रेस थ्रू आउट द एम्ब्रियो। जैसा हमने देखा कि बीटा कैटनिन क्या है, हर जगह एक्सप्रेस हो रहा है, लेकिन अपना इसका फंक्शन कहाँ आता है, इसका फंक्शन आता है सिर्फ और सिर्फ डॉर्सल साइड पे। देन द सेकेंड क्वेश्चन इज कॉर्टिकल रोटेशन इन्वॉल्व इन लोकलाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स और नॉट। तो अब आगे हम देखते हैं, इन मैक्रोमियर सेल्स अलोंग विद द एक्सप्रेशन ऑफ बीटा कैटनिन, बीटा कैटनिन तो सभी सेल्स के पास एक्सप्रेस हो रहा है, तो बीटा कैटनिन के साथ साथ वहाँ पे बीटा कैटनिन का इनहिबिटर एक होता है GSK3, ये भी वहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है सभी मैक्रोमियर सेल्स के पास में। इसका फुल नेम है ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज 3, GSK3, एंड GSK3 इज द इनहिबिटर ऑफ बीटा कैटनिन। तो GSK3 किसका इनहिबिटर है, बीटा कैटनिन का। तो मतलब जब इनिशियली सभी सेल्स में क्या है, GSK3 एक्टिवेट है, GSK3 एक्टिवेट है, तो ये किसको इनहिबिट करेगा, बीटा कैटनिन को इनहिबिट करेगा। एक्टिवेटेड GSK3 स्टिम्युलेटेड डिग्रेडेशन ऑफ बीटा कैटनिन एंड ब्लॉक्स द एक्सिस फॉर्मेशन। अब एक केस है, इफ एंडोजीनस GSK3 इज नॉक आउट बाई ए डोमिनेंट निगेटिव फॉर्म ऑफ GSK3 इन द वेंट्रल सेल्स, तो उसका रिजल्ट आउटपुट क्या होगा, इस सेकेंडरी एक्सिस विल फॉर्म, क्योंकि अगर GSK3 नहीं होगा तो वो बीटा कैटनिन को इन्हांस करेगा, अगर बीटा कैटनिन को इन्हांस कर दिया तो ये किसको इनहिबिट करेगा, TCF3 को इनहिबिट करेगा। TCF3 अगर इनहिबिट हो गया तो जो दो जीन थे साइमाइस और टिन उनका एक्सप्रेशन कंटिन्यू होगा और गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अब इनिशियल जो सिग्नलिंग है माइक्रोमियर सेल्स की, वो सब में सिग्नलिंग क्या है, सेम है, तो GSK3 किसको इनहिबिट किया, बीटा कैटनिन को, और बीटा कैटनिन अगर इनहिबिट हो गया तो वो जो TCF3 है उसके कंसंट्रेशन को वो अप रेगुलेट करेगा, ये जो होगा TCF3 इन्हांस होगा क्योंकि बीटा कैटनिन यहाँ पे डिक्रीज हो गया है, ये डिक्रीज हुआ तो TCF3 इंक्रीज हुआ, अब TCF3 इंक्रीज हुआ तो ये इनहिबिट किसको करेगा, जो दो गैस्ट्रुलेटिंग जीन्स हैं साइमोइस और ट्विन को, उनको ये इनहिबिट कर देगा। क्लियर। ये इनिशियल कंडीशन है सभी मैक्रोमियर सेल्स की, क्योंकि सबके पास क्या है, GSK3 है जो किसका इनहिबिटर है, बीटा कैटनिन का, और बीटा कैटनिन इनहिबिट हो गया तो TCF3 को इन्हांस करेगा, और TCF3 किसका इनहिबिटर है, साइमोइस और ट्विन जीन का। क्लियर। अब जो कॉर्टिकल रोटेशन है, जो हम जो जो सेकेंड क्वेश्चन था, क्या कॉर्टिकल रोटेशन ऐसे किसी प्रोटीन को गवर्न करता है कि जिससे वो जो बीटा कैटनिन है फंक्शन करेगा सिर्फ डॉर्सली, तो इसका जो आंसर है, कॉर्टिकल रोटेशन मीडिएटेड बाय एंट्री ऑफ स्पर्म ऑल्सो मूव द जीन डिसेबल्ड DSH टुवर्ड्स द डॉर्सल साइड एंड मेक इट फंक्शनल ऑन द डॉर्सल साइड। अब ये जो DSH यहाँ पे एक प्रोटीन है, ये कॉर्टिकल रोटेशन से कहाँ मूव हो गई है, ये मूव हो गया डॉर्सल रीजन पे, तो ये DSH यहाँ आ गया डॉर्सल साइड पे। अब तो इसका जो ग्रेडियंट कहाँ, ग्रेडियंट कैसे फॉर्म है, डॉर्सल टू वेंट्रल, मतलब वेंट्रल पे DSH कम है और डॉर्सल पे क्या है, DSH ज़्यादा है, और DSH किसका इनहिबिटर है, DSH ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ GSK3 डॉर्सली। तो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही हैं, GSK3 पहले क्या था, किसका इनहिबिटर था, बीटा कैटनिन का, बीटा कैटनिन इनहिबिट है तो TCF3 एक्टिवेट है, TCF3 एक्टिवेट है तो किसका इनहिबिटर है, वो साइमोइस और ट्विन जीन का इनहिबिटर है। अब आफ्टर द कॉर्टिकल रोटेशन DSH मूव्स द डॉर्सली एंड इनहिबिट द GSK3 डॉर्सली, क्लियर, देयर बाय प्रिवेंटिंग द डिग्रेडेशन ऑफ बीटा कैटनिन ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द एम्ब्रियो। द न्यूक्लियाई ऑफ द ब्लास्टोमियर इन द डॉर्सल रीजन ऑफ द एम्ब्रियो, जो डॉर्सल रीजन का एम्ब्रियो को जो मैक्रोमियर की सेल्स हैं वो वहाँ पे बीटा कैटनिन की सिंथेसिस अब होने लगी, क्योंकि यहाँ पे GSK3 इनहिबिट हो गया, जबकि वेंट्रल साइड के जो सेल्स हैं वहाँ पे GSK3 फंक्शनल रहेगा। अब आगे हम देखते हैं फेट
क्या है डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड का फेट क्या है। अगर हम बात करें डॉर्सल साइड पे, तो यहाँ पे कॉर्टिकल रोटेशन हुआ था, यहाँ पे क्या, यहाँ पे ग्रे क्रिसेंट फॉर्म हुआ था। कॉर्टिकल रोटेशन से जो प्रोटीन थी डीएसएच वो कहाँ मूव किया था, डॉर्सल साइड पे। तो डीएसएच एट द डॉर्सल साइड, एंड डीएसएच इज द इनहिबिटर ऑफ GSK3, एंड द एक्यूमुलेशन ऑफ डीएसएच मेक GSK3 नॉन फंक्शनल, एंड इफ GSK3 बिकम नॉन फंक्शनल इट एक्टिवेट द बीटा कैटनिन। तो बीटा कैटनिन इन द डॉर्सल न्यूक्लियाई, अगर बीटा कैटनिन एक्टिवेट हो गया है तो ये TCF3 को इनहिबिट करके TCF3 को नॉन फंक्शनल कर देगा। TCF3 नॉन फंक्शनल एट डॉर्सल साइड, एंड इफ द TCF3 बिकम नॉन फंक्शनल द एक्सप्रेशन ऑफ साइमोइस और ट्विन जीन अकर्स। क्लियर, डॉर्सल पे क्या हुआ, साइमोइस और ट्विन जीन का एक्सप्रेशन हुआ, क्योंकि कॉर्टिकल रोटेशन से जो डीएसएच प्रोटीन है वो डॉर्सली मूव किया था। और अगर यहाँ बात करें वेंट्रल साइड की, तो वेंट्रल साइड पे जो इनिशियल कंडीशन थी वही एक्टिवेट हुई, क्योंकि डीएसएच क्या है, यहाँ डीएसएच का मूवमेंट क्या है इस साइड में, वेंट्रल साइड पे नहीं है। क्लियर, अगर डीएसएच यहाँ पे नहीं है तो GSK3 यहाँ पे क्या होगा, फंक्शनल होगा, एंड इफ GSK3 फंक्शनल नो बीटा कैटनिन इन द वेंट्रल न्यूक्लियाई, एंड इफ देयर इज नो बीटा कैटनिन इन द वेंट्रल न्यूक्लियाई सेल द TCF3 इज द फंक्शनल, TCF3 फंक्शनल ऑन द वेंट्रल साइड, एंड इफ द TCF3 फंक्शनल इनहिबिट द एक्सप्रेशन ऑफ साइमोइस और ट्विन जीन। तो साइमोइस और ट्विन जीन का एक्सप्रेशन कहाँ पे हुआ, डॉर्सल साइड पे हुआ। वेंट्रल साइड पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे डीएसएच का ग्रेडियंट नहीं फॉर्म हुआ। तो द माइक्रोमीयर सेल्स इन विच एक्सप्रेशन ऑफ बीटा कैटनिन अलोंग विद द साइमोइस और ट्विन जीन एसोसिएटेड विद द इनहिबिटेड TCF3 फॉर्म द न्यू कूप सेंटर। तो न्यू कूप सेंटर कहाँ फॉर्म हुआ है, हमेशा डॉर्सल रीजन पे। कैसे फॉर्म हुआ है, क्योंकि डीएसएच मूव किया डॉर्सली और इनहिबिट किया GSK3 को और बीटा कैटनिन को फंक्शनल किया, और बीटा कैटनिन अगर फंक्शनल है तो वो TCF3 को इनहिबिट करेगा, और TCF3 अगर इनहिबिट हो गया है तो किसको एक्सप्रेस करेगा, वो साइमोइस और ट्विन जीन को। यहाँ पे तो साइमोइस और ट्विन जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, न्यू कूप सेंटर के फॉर्मेशन के लिए, NC। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है कि न्यू कूप सेंटर कहाँ फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है, पूरी डिटेल मैकेनिज्म उसकी, हमेशा कहाँ फॉर्म होगा, डॉर्सल साइड पे ही। क्यों, क्योंकि डॉर्सल पे ही बीटा कैटनिन का ग्रेडियंट फॉर्म होता है, और जो इसकी ओरिजिन है न्यू कूप सेंटर की वो है एंडोडर्मल इन ओरिजिन। क्लियर, अब आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कूप सेंटर, द न्यू कूप सेंटर मूव्स डॉर्सली। अब जो न्यू कूप सेंटर है वो डॉर्सली मूव करेगा, डॉर्सली मतलब क्या है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब जैसे ही वो मूव करेंगी न्यू कूप सेंटर की सेल्स या न्यू कूप ब्लास्टोमियर सेल, बीटा कैटनिन कॉपरेट्स विद द VG ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टू एक्टिवेट द पैराक्राइन फैक्टर TGF-beta एंड सम नोडल प्रोटीन्स। नोडल प्रोटीन्स आर द जीनोपस नोडल रिलेटेड 1, 5 एंड 6, जिसको बोलते हैं SXNR 1, 5 एंड 6। जब न्यू कूप सेंटर डॉर्सली मूव कर रहा है, तो जो ब्लास्टोमियर सेल्स हैं जिनके पास बीटा कैटनिन प्रेजेंट है पहले से ही डॉर्सल रीजन पे, तो वो क्या सिक्रीट करेंगी, पैराक्राइन फैक्टर सिक्रीट करेंगी, और प्लस क्या सिक्रीट करेंगी, वो कुछ नोडल प्रोटीन को सिक्रीट करेंगी। अब पैराक्राइन फैक्टर क्या है, TGF-beta है, एंड नोडल प्रोटीन्स क्या है, XNR 1, 5 एंड 6 है। अब ये सब कहाँ पे हो रहा है, ये सब हो रहा है डॉर्सल साइड पे। वेंट्रल पे क्या है, द वेंट्रल ब्लास्टोमियर ऑफ द एंडोडर्म लैक द एक्सप्रेशन ऑफ दीज नोडल रिलेटेड जीन बिकॉज देयर इज नो बीटा कैटनिन एट द वेंट्रल साइड। क्लियर, नेक्स्ट, द ब्लास्टोमियर सेल्स दैट हैव ऑलरेडी एक्सप्रेस साइमोइस और ट्विन जीन, साइमोइस और ट्विन जीन एक्सप्रेस होने के बाद क्या बना था, वहां पे न्यू कूप सेंटर बना था। अब वो जो न्यू कूप सेंटर की सेल्स हैं जिनके पास
साइमॉइस और ट्विन जीन का एक्सप्रेशन हो गया है एलोंग विद द नोडल प्रोटीन्स एंड पैराक्राइन फैक्टर्स स्टार्ट टू सिंथेसाइज थ्री मेजर प्रोटीन्स नेम गुसेक्वाइड गुसेक्वाइड XLIM1 एंड X0. दीज थ्री प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज इन द dorsal रीजन इन द ब्लास्टोमियर ऑफ द न्यूक्लियस सेंटर सेल एंड द सेल्स इन विच दीज थ्री प्रोटीन्स एक्सप्रेस. अब जिन जिन सेल्स में गुसेक्वाइड XLIM1 एंड X0 का एक्सप्रेशन हो गया है वो क्या फॉर्म करेंगी? ऑर्गेनाइजर. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्ट है ऑर्गेनाइजर. ऑर्गेनाइजर जिसको हम बोलते हैं कॉमनली स्पीमान ऑर्गेनाइजर. तो न्यूक्लियस सेंटर भी कहाँ फॉर्म हुआ है? डॉर्सल साइड पे. जब डॉर्सल से सेल्स जब अपवर्ड डायरेक्शन मूव की तो वो जो ब्लास्टोमियर सेल्स हैं वो सिक्रीट किया पैराक्राइन फैक्टर एंड कुछ नोडल प्रोटीन्स. पैराक्राइन फैक्टर क्या थे? TGF बीटा एंड नोडल प्रोटीन क्या थी? XNR1, 5 एंड 6. इसके बाद जो सेल्स साइमॉइस और ट्विन को एक्सप्रेस कर चुकी हैं उनमें एक्सप्रेशन होगा तीन और प्रोटीन्स का, गुसेक्वाइड XLIM1 एंड X0. अब जिन जिन सेल्स में इन तीन प्रोटीन्स का एक्सप्रेशन होगा वो क्या फॉर्म करेंगी? ऑर्गेनाइजर. आगे की स्लाइड में इसका डायग्रामेटिक व्यू है. अब जैसे यहाँ पे हम देखें एक डायग्राम टाइप का है थोड़ा सा. अब जैसे ये था पॉइंट ऑफ स्पर्म एंट्री वेंट्रल साइड जस्ट अपोजिट डॉर्सल साइड. डॉर्सल पे क्या फॉर्म हुआ था? बीटा कैरोटीन का ग्रेडियंट और एक्सप्रेशन हुआ था साइमॉइस और ट्विन जीन का और क्या बना था? न्यूक्लियस सेंटर. अब ये न्यूक्लियस सेंटर मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में और यहाँ पे जो सेल्स होंगी उनसे वो इंटरेक्ट करेगा. अब जैसे ही इंटरेक्ट करेगा तो क्या सिक्रीट किया उसने? नोडल प्रोटीन्स और पैराक्राइन फैक्टर जैसे TGF बीटा और फैक्टर क्या थे? XNR1, 5 एंड 6. जैसे यहाँ पे था ये पोर्शन पैराक्राइन फैक्टर और XNR1, 5, 6. जैसे ही वो XNR1, 5, 6 और नोडल प्रोटीन्स को सिक्रीट करेगा वैसे ही वहाँ पे एक्सप्रेशन होगा तीन मेजर जीन्स का, गुसेक्वाइड XLIM1 और X0. अब जिन जिन सेल्स में गुसेक्वाइड XLIM1 और X0 का फॉर्मेशन होगा या सिंथेसिस होगी वो क्या फॉर्म करेगा? ऑर्गेनाइजर. ये भी फॉर्म कहाँ हो रहा है? डॉर्सल रीजन पे. कोई भी जो पार्ट है चाहे न्यूक्लियस सेंटर हो चाहे ऑर्गेनाइजर हो वो डॉर्सली ही फॉर्म होगा, वेंट्रल नहीं, क्योंकि वेंट्रल पे बीटा कैरोटीन ग्रेडियंट नहीं है, वहाँ पे GSK3 फंक्शनल है. ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हमेशा जो भी स्ट्रक्चर है जो भी गैस्ट्रुलेशन है वो कहाँ पे होगा? हमेशा डॉर्सल रीजन पे होगा. क्लियर. अब ये जो ऑर्गेनाइजर है इसके कुछ फंक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो इसके जो हम फंक्शन है नेक्स्ट वीडियो में उनको हम इलेबरेट करेंगे. तो ऑर्गेनाइजर सेल्स क्या हैं? एंडोडर्मलिन ओरिजिन है. क्लियर. द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजर अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट फोर सेल टाइप्स. फर्स्ट वन इज द फेरेंजियल एंडोडर्म, सेकेंड इज द हेड मीजोडर्म, थर्ड इज द डॉर्सल मीजोडर्म एंड द फोर्थ वन इज द डॉस्टर डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप. इनका जो पूरा डिटेल फंक्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे उसको, कि ऑर्गेनाइजर कैसे कैसे इन सारे सेल्स को फॉर्म करता है और क्या इसका रोल है फर्दर डेवलपमेंट पे जो जर्म लेयर के डिफ्रेंसिएशन में. तो सारे स्ट्रक्चर कहाँ फॉर्म हो रहे हैं? डॉर्सली फॉर्म हो रहे हैं क्योंकि डॉर्सल पे बीटा कैरोटीन का ग्रेडियंट वहाँ पे एस्टेब्लिश हो रहा है. अब इसके बाद जो एक्चुअल गैस्ट्रुलेशन है वो स्टार्ट होगा ऑर्गेनाइजर से. एम्फीबियन गैस्ट्रुलेशन बिगिंस विद द इन्वेजिनेशन ऑफ द बॉटल सेल. यहाँ पे बॉटल सेल्स होती हैं फॉलोड बाई कोऑर्डिनेटेड इन्वोल्यूशन इन द मीजोडर्म एंड एपिबोली ऑफ द एक्टोडर्म. अभी इसको हम आगे फिगर है वहाँ पर डिटेल करते हैं. तब अब नेक्स्ट क्या है? नाउ द ऑर्गेनाइजर सेल. अब पहले न्यूक्लियस सेंटर की सेल ने क्या फॉर्म किया? ऑर्गेनाइजर. अब जो ऑर्गेनाइजर सेल्स की जो ऑर्गेनाइजर सेल्स हैं वो क्या शो करेंगी? शो द जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग विद द बॉटल सेल्स. क्लियर.
जो ऑर्गेनाइज सेल्स हैं वो किससे रिएक्ट करेंगी या कॉन्टेक्ट करेंगी, बॉटल सेल से वाय द जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग। क्लियर। ब्लास्टोडर्म एंड सिक्रीट जीन है एक्सब्रा, या उसी को बोलते हैं ब्रैकियूरी। जी एक्स फॉर जीनोपस, जीनोपस ब्रैकियूरी, तो इसको कॉमनली हम एक्सब्रा बोल सकते हैं। तो ड्यू टू द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सब्रा, कैसे कैसे एक्सप्रेस हुआ, ऑर्गेनाइजर सेल्स जब बॉटल सेल से कॉन्टैक्ट की और क्या उन्होंने शो किया, जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग। तो जो बॉटल सेल्स हैं वो सिक्रीट किया उन्होंने एक्सब्रा या ब्रैकियूरी। द ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ एक्सब्रा द बॉटल सेल्स चेंज दियर फेट। अब इनिशियल गैस्ट्रुलेशन का जो इम्पोर्टेंट फीचर है कि सेल्स अपना बिहेवियर चेंज करती हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब जो बॉटल सेल्स है, बॉटल सेल्स चेंज दियर फेट कॉजिंग द सेल्स टू बिकम स्पेसिफाइड एज मीजोडर्म। क्लियर। अब जो बॉटल सेल्स पहले क्या फॉर्म कर रही थी, एंडोडर्म फॉर्म हो कर रही थी, अब वो क्या फॉर्म करने लगी, मीजोडर्म ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ ब्रैकियूरी जीन। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इंडक्शन, या इसी को बोलते हैं हम इनिशिएशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन। मतलब सेल्स का बिहेवियर, सेल्स का फेट चेंज हो गया और जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, मीजोडर्म का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। बॉटल सेल्स जो थी वो ऑर्गेनाइजर सेल्स से क्या शो किया, जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग वहाँ शो किया, और क्या सिक्रेट किया, एक्सब्रा या ब्रैकियूरी। ऑल दीज इवेंट्स आर अकर ओनली एट डॉर्सल साइड। क्लियर। जो भी इंडक्शन है वो कहाँ, डॉर्सल साइड पे, क्योंकि डॉर्सल साइड पे क्या है, न्यू कूप सेंटर फॉर्म हुआ है एंड वहीं पे क्या है, ऑर्गेनाइजर सेल्स फॉर्म हुआ है। एंड नेक्स्ट, ऑल सेल्स मूव इनवर्ड। अब जिन जिन सेल्स में जैसे जो कॉन्टैक्ट, जो जो सेल्स कॉन्टैक्ट करती जाएंगी ऑर्गेनाइजर सेल्स की और बॉटल सेल्स की, वो उनका मूवमेंट क्या है, इनवर्ड, मतलब वो अंदर की तरफ मूव करती जाएंगी। अब कोई भी सेल अगर जैसे यहाँ पे है, दिस इज द, अगर यहाँ पे कॉन्टैक्ट हुआ और ये सेल क्या है, अंदर की तरफ मूव करती गई, तो यहाँ पे क्या है, एक लिप लाइक का स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो गया है ये। क्लियर। तो ये इसी को बोलते हैं, ये लिप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म नोन एज द डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। और डॉर्सल क्यों बोला है, क्योंकि सब कुछ क्या है, डॉर्सल रीजन पे ही हो रहा है। तो जो भी सेल्स हैं वो रिएक्ट ही और अंदर की तरफ क्या है, इनवर्ड इनका मूवमेंट होगा और क्या फॉर्म करेगा, वो डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं एक फिगर के थ्रू, यहाँ पे ये क्या है, बॉटल सेल्स है। क्लियर। और ये है न्यू कूप, ये है ऑर्गेनाइजर। क्लियर। अब ये ऑर्गेनाइजर क्या है, जो ऑर्गेनाइजर सेल्स है वो क्या है, बॉटल सेल से रिएक्ट किया। जैसे ही रिएक्ट किया वाय द जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग, द बॉटल सेल सिक्रीट जीन एक्सब्रा और ब्रैकियूरी। अब जैसे ही बॉटल सेल में सेल ने सिक्रीट किया एक्सब्रा और ब्रैकियूरी, वैसे ही जो इनिशियल फीचर जो बॉटल सेल्स का था, क्या था, वो एंडोडर्म का था, लेकिन ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ एक्सब्रा और ब्रैकियूरी द फेट ऑफ द बॉटल सेल चेंज एंड नाउ इट बिकम मीजोडर्म। दिस प्रोसेस इज नोन एज द इंडक्शन एंड इसी को बोलते हैं इनिशिएशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन। अब जिन जिन सेल्स में एक्सप्रेशन होता जाएगा वो सेल्स अंदर की तरफ मूव करती जाएंगी। क्लियर। और क्या बनेगा वहां पे बनेगा ब्लास्टोपोर, डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन इन द एम्फीबियंस। कुछ मेजर पॉइंट्स जो याद रखने हैं कि डॉर्सल रीजन पे ऑर्गेनाइजर फॉर्म हुआ, ऑर्गेनाइजर ने किसको इंड्यूस कराया, बॉटल सेल्स को इंड्यूस कराया, और जो बॉटल सेल्स थी उनमें उनका जो बिहेवियर है, फेट है, वो चेंज हो गया। इनिशियली वो क्या फॉर्म कर रही थी, एंडोडर्म, लेकिन अब क्या फॉर्म कर रही हैं, मीजोडर्म। अब जैसे ये जो जर्म लेयर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, इसी को बोलते हैं हम इनिशिएशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन, बिकॉज इन द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन देयर इज चेंज इन द सेल फेट और फॉर्मेशन ऑफ द जर्म लेयर। अगर जर्म लेयर फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया तो मतलब गैस्ट्रुलेशन वहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो ये सब इवेंट्स कहाँ पे हो रहे हैं, सब
डॉर्सल साइड पे ही हो रहे हैं, क्योंकि डॉर्सल साइड पे बीटा कैरोटीन का ग्रेडियंट फॉर्म हुआ था। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। एंड दिस इज द ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द हाउ द ऑर्गेनाइजर सेल्स डिटरमाइंस द फेट ऑफ नोटोकॉर्ड एंड ऑल्सो द गवर्न द डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। सो प्लीज़